आज का टॉपिक जो रहेगा, सबसे पहला अपन बात करेंगे पुरस्कार के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार वगैरह होते हैं उन सभी के बारे में, क्लियर। तो सबसे पहला आपने लिखाया था साहित्य अकादमी के पुरस्कार, अपना है साहित्य अकादमी के पुरस्कार। देखो, साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार होते हैं वो दो भागों में होते हैं। एक होता है अपना बाल साहित्य पुरस्कार और एक होता है अपना युवा साहित्य पुरस्कार, ठीक है। ये दो पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा दिए जाते हैं और इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। जो विभिन्न प्रकार की कविताओं, उपन्यास, कृतियों वगैरह, इन सभी के लिए पुरस्कार दिया जाता है, क्लियर। और ये जो पुरस्कार है ये विभिन्न प्रकार की जो भाषाएँ होती है, लैंग्वेज होती है, उन सभी के लिए दिया जाता है। अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहला आप जो हेडिंग डाल लीजिए साहित्य अकादमी के पुरस्कार और इसका पहला कुछ बातें लिखिए। सबसे पहला लिखो साहित्य अकादमी की स्थापना साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 में की गई तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, यह पुरस्कार प्रति वर्ष 2 प्रकार के लेखकों को उनकी कविताओं, उपन्यास आदि के संबंध में दिया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, इसके द्वारा सामान्यतः दो पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी साहित्य अकादमी जो है वो दो तरह के प्राइज देती है। सबसे पहला लिखिए बाल साहित्य पुरस्कार, 2018। बाल साहित्य पुरस्कार 2018
इसमें लिखिए, देखो सबसे पहली बात तो ये, इस पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 20 जून 2018 को, और ये पुरस्कार दिया जाएगा 14 नवंबर 2018 को बाल दिवस पर। ये पुरस्कार जो होता है वो सामान्यतः 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है प्रतिवर्ष, लेकिन इस वर्ष ये पुरस्कार जो दिया गया है वो केवल 23 भाषाओं के लिए दिया जाएगा, यानी डोंगरी भाषा के संबंध में इस बार ये पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाएगा। डोंगरी भाषा के संबंध में ऐसा कोई लेखक, ऐसी कोई कविता, ऐसा कोई उपन्यास उपलब्ध नहीं हुआ जिसके लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस बार डोंगरी भाषा को छोड़कर 23 भाषाओं के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। जनरली क्या होता है कि अपन 23 भाषाओं को याद करना पॉसिबल नहीं है, 23 भाषाओं के राइटर्स को नाम याद करना पॉसिबल नहीं है। जनरली आपको बताइए, क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा या तो हिंदी का पूछेगा या राजस्थानी पूछेगा या संस्कृत का पूछेगा या अंग्रेजी का पूछेगा, और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान का पूछता है क्योंकि अभी आरएस में भी राजस्थान का ही पूछा गया था। लेकिन मैं आपको हिंदी का भी बताऊंगा, राजस्थानी भी बताऊंगा कि हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया, राजस्थानी भाषा के लिए किसको दिया गया, संस्कृत भाषा को किसका दिया जाएगा और अंग्रेजी भाषा को किसका दिया जाएगा। लेकिन 24 भाषाओं के बारे में बताना पॉसिबल नहीं होता, ना तो आपको याद करना पॉसिबल होगा। हाँ ये जरूर ध्यान रखना कि इस वर्ष कौन सी भाषा के लिए पुरस्कार उपलब्ध नहीं हुआ है, डोंगरी भाषा के लिए, यानी डोंगरी भाषा के लिए इस बार किसी को ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए बाल साहित्य पुरस्कार 2018, इसमें लिखो पहला पॉइंट, इस पुरस्कार की घोषणा20 जून 2018 को की गई तथा यह पुरस्कार 14 नवंबर 2018 को बाल दिवस पर दिया जाएगा। बाल दिवस पर दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, सामान्यतः यह पुरस्कार सामान्यतः यह पुरस्कार प्रतिवर्ष चौबीस भाषाओं के एंड 24 24 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। किंतु इस वर्ष डोंगरी भाषा को छोड़कर तेईस भाषाओं के लिए या 23 भाषाओं के लेखकों को दिया जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए। अच्छा ये कौन सी भाषा ही है, संविधान के कौन से अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, 8वीं अनुसूची में लागना, भारतीय संविधान की जो अनुसूची नंबर 8 है उसमें इन भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उन सभी भाषाओं के संबंध में ये पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि कुछ भाषा वहाँ पर शामिल नहीं होती लागना, हाँ भाई वहाँ 22 भाषा ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन सभी भाषाओं के साथ साथ और कुछ भाषाओं के लिए भी दिया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, इस
पुरस्कार के रूप में एक ताम्र फलक तथा 50,000 रुपये नगद राशि दी जाती है। एक ताम्र फलक तथा 50,000 रुपये नगद राशि दी जाती है, ठीक है। अब देखो मिला किस किस को, तो आप लोग सबसे पहला पॉइंट डालो अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा। ये अंग्रेजी भाषा होता है स्टेरिन क्रे, ये नॉर्वे के हैं, स्टेरिन क्रे को। उनकी दंत कथा सन ऑफ द थंडर क्लाउड, सन ऑफ द थंडर क्लाउड के लिए, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा का जो बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा इस बार स्टेरिन क्रे को दिया जाएगा, जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, और उनकी दंत कथा जो है सन ऑफ द थंडर क्लाउड, इसके लिए ये बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा इनको, ठीक है। तो एक तो हो गया अंग्रेजी भाषा जो दिया जाएगा स्टेरिन क्रे को उनकी दंत कथा के लिए। आगे फिर लिखो हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की अगर बात करें तो हिंदी भाषा का जो इस वर्ष का जो बाल साहित्य पुरस्कार जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा दिविक रमेश को, दिविक रमेश को। मेरे मन की बाल कहानियाँ के लिए, मेरे मन की बाल कहानियाँ के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो हिंदी भाषा का मिलेगा दिविक रमेश को, मेरे मन की बाल कहानियाँ के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा, बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। तो अंग्रेजी भाषा हो जाएगा स्टेरिन क्रे और हिंदी भाषा हो जाएगा दिविक रमेश। फिर उसके बाद लिखो राजस्थानी भाषा, जो क्वेश्चन अभी आरएस में पूछा गया था, राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा का ये जो बाल साहित्य पुरस्कार जो इस वर्ष 14 नवंबर 2018 को दिया जाएगा वो दिया जाएगा सी एल सांकला को दिया जाएगा। और उन्होंने उनका था चड़ा चिड़ी की खेत की कहानियाँ, चड़ा चिड़ी की खेत की कहानियाँ, इस संबंध में सीएल सांकला को राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। चड़ा चिड़ी की खेत की कहानियाँ। उसके बाद संस्कृत भाषा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा का दिया गया संपदानंद मिश्र को ये दिया जाएगा। और उनकी जो कविता है इन भाई साहब की, शने सने मतलब होले होले धीरे धीरे, ठीक है, इस कविता के लिए संपदानंद मिश्र को संस्कृत भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा 14 नवंबर 2018 को। तो आपको चार भाषा ध्यान रखनी है, अगर चारों भी आपसे याद नहीं रहते तो कोई बात नहीं, खास इतना नहीं पूछेगा, ज़्यादा ज़्यादा वो हिंदी का पूछ सकता है और ज़्यादा ज़्यादा किसका पूछ सकता है, राजस्थानी पूछ सकता है, बाकी इतना तो कोई पूछता नहीं है, क्योंकि 23 भाषाओं को याद करना किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं होता,
ठीक है, और जो चीज़ पॉसिबल नहीं होती उसके बारे में कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, ये थोड़ा ध्यान रखना। बस ये ध्यान रखना कि ये 24 भाषाओं के लिए दिया जाएगा, और इस वर्ष कौन सी भाषा के लिए नहीं मिलेगा, डोंगरी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, जिसमें हिंदी भाषा का दिविक रमेश को दिया जाएगा और राजस्थानी भाषा का किसको दिया जाएगा, CL सांकला को दिया जाएगा। अब ये कभी मत सोचना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता, तो रिपीट हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना। तो इस बार ये क्योंकि RS में पूछा गया था CL सांकला के बारे में, तो दोबारा पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको हिंदी का, अब इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है कि CL सांकला को बाल साहित्य पुरस्कार उनकी कौन सी कहानी के लिए दिया जाएगा, चढ़ा चिड़ी की कहानी के लिए दिया जाएगा, वो किसी भी एंगल से आपसे पूछ सकता है, किसी भी रूप से पूछ सकता है। और दिविक रमेश की बात करें तो कौन सी, मेरे मन की बाल कहानियाँ, एक तो मन की बात कौन करता है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, और एक मेरे मन की बाल कहानियाँ कौन रहेगी, दिविक रमेश के द्वारा। क्लियर, आगे और भी आएगी धारणा, क्योंकि अपन जब चर्चित किताबों की बात करेंगे तो मेरा दिल ये कहता है कि चर्चित किताबों का, जैसे पेपर तो बन चुका होगा, टाइप हो चुका होगा, लेकिन इसमें भी देखो, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की किताबों के बारे में जरूर पूछा जा सकता है आपसे, जैसे उनकी आगे कई बातें थी कि खोया खोया मन जो है, या मेरी 51 कविता वगैरह, जो भी है उसकी कविताएँ वगैरह, उसके संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वो बात की बातें हैं। अपन ने अभी बात करें बाल साहित्य पुरस्कार, ये पुरस्कार कौन देता है, साहित्य अकादमिक नई दिल्ली वाली। देखो धारणा, साहित्य अकादमिक दो तरह की होती है, एक नई दिल्ली की है और एक अपनी राजस्थान कहाँ पर, उदयपुर की। तो उदयपुर की साहित्य अकादमिक, जिसका सबसे सर्वश्रेष्ठ मीरा पुरस्कार है, और जो मीरा पुरस्कार जो दिया जाएगा वो दिया है कुल श्रेष्ठ, जो कुल है, कुल जो है, जिसको जोधपुर वाली की लड़कियों को दिया गया है, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये तीन चार बातें जानना, अंग्रेजी की, हिंदी की, राजस्थानी की और संस्कृत की। सेकेंड पॉइंट लिखो, युवा साहित्य पुरस्कार 2018, युवा साहित्य पुरस्कार 2018, युवा साहित्य पुरस्कार 2018। अब देखो नाम ही क्या है, युवा साहित्य, तो किनको मिलेगा, युवाओं को। अब युवा बोले तो कौन, 18 साल से कम वाले या कौन से, तो युवा यहां पर हो जाएगा कि जिस वर्ष ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जैसे पुरस्कार दिया जा रहा है 14 नवंबर 2018 को, 14 नवंबर 2018 को, ठीक है, तो उस वर्ष की पहली तारीख को, उस वर्ष की जो पहली तारीख है 1 जनवरी को, उस लेखक की आयु 35 वर्ष से कम हो, उसकी आयु कितनी हो, 35 ईयर से कम हो, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो लिखो पहला पॉइंट लिखो, इसमें यह पुरस्कार प्रति वर्ष, पहले इसकी थ्योरी लिखिए, यह पुरस्कार प्रति वर्ष यह पुरस्कार प्रति वर्ष साहित्य अकादमिक के द्वारा, साहित्य अकादमिक नई दिल्ली के द्वारा साहित्य अकादमिक नई दिल्ली के द्वारा ऐसी कृतियों मतलब कोई कविता कहानी उपन्यास वगैरह जो भी, ऐसी कृतियों के लिए दिया जाता है जिनके लेखकों की आयु, जो लेखक है राइटर है, जिनके लेखकों की आयु पुरस्कार वर्ष के, यानी जिस वर्ष ये पुरस्कार दिया जा रहा है, पुरस्कार वर्ष के 1 जनवरी को, 35 वर्ष से कम हो या 35 वर्ष से कम होती है, ठीक है। अब देखिए युवा साहित्य पुरस्कार की बात करें तो इसमें भी वो चारों भाषा देखेंगे अपन। देखो पहली कौन सी भाषा हो जाएगी, अंग्रेजी भाषा, तो सीधी सी बात है अंग्रेजी भाषा के लिए अगर यहाँ पे बात करें तो इस वर्ष अंग्रेजी भाषा के लिए कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है, मतलब इस वर्ष ये किसी को नहीं दिया जाएगा, कोई किताब यहाँ पर उपलब्ध नहीं रही है। क्लियर। सेकेंड अगर बात करें हिंदी भाषा,
अब देखो वहाँ पर हिंदी भाषा का पुरस्कार किसको मिलता है, दिविक रमेश को मिला था बाल साहित्य पुरस्कार। यहाँ पर हिंदी भाषा की अगर बात करें तो ये दिया जाएगा आस्तिक वाजपेयी को, आस्तिक वाजपेयी को दिया जाएगा। और उनकी कविता जो है, उनकी कविता जो है थरथराहट के लिए दिया जाएगा। वहाँ पर हिंदी का जो पुरस्कार मिला था वो मिलेगा किसको, दिविक रमेश को। उनकी जो कविता है मेरे मन की, उनकी जो कहानियाँ मेरे मन की बाल कहानियों के लिए, यहाँ पर युवा साहित्य मिलेगा ये आस्तिक वाजपेयी को, उनकी कविता थरथराहट के लिए। और तीसरे नंबर पर राजस्थानी, वहाँ पर राजस्थानी की भाषा के लिए मिलेगा किसको, सीएल सांकला को। यहाँ पर राजस्थानी भाषा के लिए मिलेगा दुष्यंत जोशी को, दुष्यंत जोशी को। और उनकी जो कविता है, दुष्यंत जोशी की जो कविता है वो है एकर आजा रे चांद। एकर आजा रे चांद के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये राजस्थानी भाषा के लिए जाएगा दुष्यंत जोशी को। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना युवा बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में। और संस्कृत भाषा की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा का दिया जाएगा मुरीराज सुंदर विजय को, उनकी कविता, वहाँ तो सने सने थी, चित्र काव्य दर्शनम चित्र काव्य दृश्यम के लिए। ठीक है, तो ये चार भाषाएं होगी। अंग्रेजी के लिए तो किसी को दिया नहीं जाएगा, इस बार कोई पुस्तक मिली नहीं है। हिंदी भाषा का मिलेगा आस्तिक वाजपेयी को, राजस्थानी भाषा का मिलेगा दुष्यंत जोशी को, और संस्कृत भाषा का मिलेगा मुरीराज सुंदर विजय को, उनकी कविता चित्र काव्य दर्शन के लिए। यहाँ पर दो चीज़ें मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। वहाँ पर अगर ये साहित्य अकादमी के पुरस्कार हैं जिसमें अपने बाल साहित्य पुरस्कार, कई बार साहित्य अकादमी के पुरस्कार की बात करें ना और कुछ ही नहीं बोले कि बाल साहित्य की बात करा, किसकी बात करा, तो आप बाल साहित्य की बात जानना, उसी को जानना। युवा साहित्य के लिए पूछेगा तो खुद कहेगा कि साहित्य अकादमी का युवा साहित्य पुरस्कार किससे दिया जाएगा। तो आपको भाषा ही ध्यान रखनी है, हिंदी भाषा। और अभी तक इनकी घोषणा हुई है, ये सभी पुरस्कार जो होंगे वो लगभग 14 नवंबर को दिए जाएंगे। क्लियर, तो आपको इनको ध्यान रखना हिंदी का और राजस्थानी का, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ पर काम काम के बाद चार व्यक्तियों के नाम ध्यान रखना। वहाँ पर आपने देखा देविक रमेश हिंदी भाषा के लिए, और सीएल सांकला किस भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए। युवा साहित्य पुरस्कार की बात करें तो हिंदी भाषा का आस्तिक वाजपेयी को दिया जाएगा और राजस्थानी भाषा का दुष्यंत जोशी को दिया जाएगा। क्लियर, आगे तो ये तो थे साहित्य अकादमी के पुरस्कार। अब आपका ये तो क्या राष्ट्रीय पुरस्कार अपन बात करें, अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं। तो लिखिए सबसे मेन है नोबल पुरस्कार, लिखिए सबसे पहले नोबल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार अब देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसका भी आरएस में पूछा गया था। जनरली क्या होता है कि नोबेल पुरस्कार जो होता है वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, और ये प्रतिवर्ष दिया जाता है, और ये छह क्षेत्रों के लिए दिया जाता है धारणा। ठीक है, जिसमें अपन चिकित्सा की बात करें, विज्ञान की बात करें, रसायन की बात करें, शांति की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, साहित्य की बात करें, ये छह सेक्टर्स के लिए दिया जाता है। जिसमें एक सेक्टर का जो पुरस्कार है शांति का पुरस्कार,
वो अलग संस्था देती है, और बाकी जो 5 पुरस्कार है वो स्वीडन की एक संस्था उसके द्वारा दिया जाता है। तो यही क्वेश्चन अभी आरएस में पूछा गया था, जो मेन चीज थी आरएस में यही पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, कौन सी संस्था के द्वारा देता है। तो स्वीडन की एक संस्था वो देती है, लेकिन 5 क्षेत्रों के लिए, शांति के पुरस्कार को छोड़कर अलग संस्था। तो इसमें लिखो यह पुरस्कार प्रति वर्ष, देखो यह पुरस्कार प्रति वर्ष यह पुरस्कार प्रति वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की याद में अल्फ्रेड नोबेल्स की याद में दी रॉयल स्वीडिश अकादमी, यह स्वीडन में, के द्वारा दिया जाता है। यानी संस्था अकादमी का नाम है दी रॉयल स्वीडिश अकादमी, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कौन सी संस्था देती है, स्वीडन की एक संस्था जिसका नाम है दी रॉयल स्वीडिश अकादमी, ये नोबेल पुरस्कार देती है। अगला पैराग्राफ से लिखो यह पुरस्कार प्रति वर्ष, यह पुरस्कार प्रति वर्ष, यह पुरस्कार प्रति वर्ष 6 क्षेत्रों में विशेष योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया, व्यक्तियों तथा संस्थाओं को, दिया जाता है। अब देखो थोड़ा याद ज्यादा करना पड़ेगा, इसमें जाना कई नाम आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय नाम आएंगे। तो पहला लिखिए चिकित्सा क्षेत्र में मेडिकल की बात करें, चिकित्सा क्षेत्र में, तो इसमें लिखो चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को, उनके उनके अब इन्वर्टर कौन लिखना, उनके मानव शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी, के आविष्कार के संबंध में, दिया जाएगा। ठीक है, नाम लिख ले तीनों वैज्ञानिकों को,
पहला है जयप्री, जयप्री सी हॉल। सेकंड है माइकल रॉस वॉस। और तीसरा है माइकल डब्लू यंग। इन तीन वैज्ञानिकों को चिकित्सा क्षेत्र के संबंध में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जेफ्री सी हॉल, माइकल रॉस वॉस और माइकल डब्ल्यू यंग। और इनकी जो कृति है, इन्होंने जो काम किया है वो क्या है, मानव शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी के संबंध में ये पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, इस पुरस्कार के रूप में 90 लाख रुपए दिए जाते हैं संयुक्त रूप से। राणा कितने दिए जाते हैं? 90 लाख रुपए संयुक्त रूप से, एक एक को नहीं दिया था, संयुक्त रूप से दिए जाते हैं। ठीक है, तो चिकित्सा क्षेत्र में ध्यान रखना किस किस का नाम है, जेफ्री सी हॉल, माइकल रॉस बॉस, माइकल यंग डब्ल्यू यंग को, और इनके कृति के जो इन्होंने काम किया है, स्पेशल काम किया है, मानव शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी के संबंध में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र देने वाली संस्था कौन है, स्वीडन वाली संस्था कौन सी रहेगी, स्वीडन वाली जो हर साल दिया जाता है। सेकेंड लिखिए रसायन विज्ञान क्षेत्र में, केमिकल्स की अगर केमिस्ट्री की अगर बात करें, Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.